जिन जगत के महाऋषि आचार्य सुनील सागर जी के रजत संयम महोत्सव के अवसर पर मैं उनको भी चरणों में नमस्कार करता हूं। प्रमोशन पर्व के समापन पर शवमणि पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं बधाई उत्तम समापन। प्रमोशन पर्व संयम तप तपस्या शरीर और आत्म शुद्धि का पर्व होता है। भगवान महावीर के विचार, उनके सिद्धांत मानवीय जीवन के अंदर व्यक्ति को शाश्वत कर्म करते हुए किस तरीके से वह मनुष्य जीवन के अंदर शरीर और आत्मा शुद्धि से भगवान को प्राप्त करता है, ये पर्व हमें उसी दिशा की ओर ले जाता है। दुनिया के अंदर आज भी भगवान महावीर के विचार और सिद्धांत व्यक्ति के जीवन को मार्ग को प्रदर्शित करते हैं। दुनिया सत्य पर चले, अहिंसा हो, ये आज के सिद्धांत हैं, लेकिन उस समय भगवान महावीर ने दुनिया को दिए थे कि आने वाले समय के अंदर विश्व के अंदर हमें सारे विश्व के विकास की ओर ले जाना है। जो भारतीय संस्कृति और संस्कार के अंदर है, वसुदेव कुटुंबों की भावना के पूरे विश्व को परिवार मानकर सारे विश्व की प्रगति हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, विकास हो, वो जब ही हो सकता है जब सारे विश्व के देश अहिंसा के मार्ग पर चले। और दुनिया इस पर मंथन कर रही, विचार कर रही, कि हमें अपने अपने देशों को प्रगति और खुशहाली की ओर ले जाना होगा। तो सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाना होगा। और आज भगवान महावीर के विचारों को, उनको सिद्धांतों को दुनिया अपना रही। महावीर भगवान के विचार केवल जैन समाज के जीवन दर्शन को पलटने के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के अंदर आप उन विचारों को, उन सिद्धांतों को अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो सात्विक जीवन के साथ आप सही मार्ग पर चल सकते हैं। और प्रवेशन पर्व भी इसी तरीके का पर्व है। मैं उन सब
लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने उपवास रखकर अपने तन की शुद्धि की, मन की शुद्धि की और समाज के अंदर उन कष्टों को जो उन्होंने उपवास के रूप में झेले, समाज में उन कष्टों को अपने ऊपर अपनाकर किस तरीके से समाज का कल्याण कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में उपवास किया। केवल व्यक्ति के मन की शुद्धि और आत्मा के लिए उपवास नहीं है, ये उपवास उन लोगों के कष्टों के उपवास है जो दुनिया में भी आज भी, चाहे भूखा हो, पीने का पानी हो, शरीर को किस तरीके से तप कर आप समाज का कल्याण कर सकते हैं, ये उपवास करने वालों से हम सबको मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए आप जैन दर्शन के जितना मंथन करेंगे, जितने उनके विचारों को आत्मसात करेंगे, आपका मार्ग उतना ही सरल होगा, हर कठिन चुनौतियों से आपको लड़ने की शक्ति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और उतना ही आप समाज को देने की शक्ति और सामर्थ्य मिलेगी। क्योंकि एक एक जैन समाज का सिद्धांत संपूर्ण मानवता के लिए सिद्धांत है, सारे मानवता का कल्याण, ये भगवान महावीर के सिद्धांत है। और सारे मानवता का सिद्धांत में हम त्याग करें और उस त्याग को, समर्पण को का फल समाज को मिले, यही जैन समाज का विचार है। और इसीलिए दुनिया के अंदर आप चले जाएंगे, जैन दर्शन मानने वाले लोग हमेशा सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं, मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं। और इसीलिए जब जब भी समाज में कोई संकट आई, आपदा आई, मुसीबत आई, सब कुछ मेरा समाज के लिए समर्पित है, इस भाव से लोगों के कष्टों और अभाव को दूर करने के लिए इस समाज ने सामाजिक रूप से जो काम किया, उसके लिए भी मैं संपूर्ण समाज को धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि हमारी आध्यात्मिक और समृद्ध संस्कृति हमें इसी ओर दिशा की ओर ले जाएगी, ताकि देश के अंदर कोई भी चुनौती आएगी, कोई भी संकट आएगा, तो हम सामूहिक एकजुटता के साथ, सामूहिक संकल्प के साथ उस चुनौती, उस संकट का मुकाबला कर पाएंगे। और इसी विचारों को अगर सारी दुनिया मान ले, तो हर चुनौती और संकट का मुकाबला करने में सक्षम हो सकती है। क्योंकि अभी आपने कोरोना के संकट के समय देखा, ये विश्वव्यापी संकट था, लेकिन इस विश्वव्यापी संकट के अंदर सरकार ने अपना काम किया, लेकिन उससे ज्यादा समाज ने काम किया, इसलिए हम इस चुनौती का हर परिवार को लगा कि ये संकट, ये आपदा मेरी है और मैं क्या इस संकट आपदा में समाज की मदद कर सकता हूं, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं, जैन दर्शन की प्रेरणा ही हमें समाज कल्याण की ओर ले जाएगी।
तात्पर्य है सब कुछ समाज का समर्पण, ये जैन समाज का दर्शन है जो समाज ने अपनाया। मुझे आशा है कि महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान से हम सबको जीने जिंदगी जीने की सही राह दिखेगी, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही व्यक्ति को सही राह पर दिखा सकता है। इस भौतिक युग के अंदर जब आदमी संकट में हो, मुसीबत में हो, कठिनाई में हो, तो आप संतों के नजदीक आएंगे, उनके जीवन को देखेंगे, उनके विचारों को जानेंगे, तो हम भी हर संकट, हर चुनौती, हर मुसीबत, हर कठिनाई का अपना रास्ता निकल जाता है जब हम मुनियों संतों को देखते हैं। मुझे भी लगता है कि संपूर्ण समाज में यही सत्य है और इसी मार्ग पर चलने की राह आध्यात्मिक रूप से मुनियों संत में देते हैं। मुझे आशा है कि मुनि जी का यहां पर चतुर्मास हुआ और चतुर्मास के माध्यम से हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान मिला उसके लिए मैं उनके चरणों में नमस्तुत करता हूं। और इसी तरीके से हमको समय समय पर आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, आपकी आध्यात्मिक ज्योति हमें जीवन में मार्ग को प्रशिक्षित करे। और पुनः आचार्य सुंदर सागर जी के चरणों में और आचार्य समुद्र आचार्य मुनि समुद्र सागर जी के और मुनि सक्षम सागर जी के चरणों में शत शत नमस्ते। जय जिनेंद्र।